Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing, and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम इकोमटेक तड़का। और आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो थोड़े कंफ्यूज हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में और नहीं जानते कि क्यों ई कॉमर्स का बिजनेस फेल होता है। फेल इन द सेंस, क्यों आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस जो इतनी मेहनत से स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपको बाद में क्लोज कर देना पड़ता है या वाइंड अप कर देना पड़ता है, उसके पीछे पांच मेन रीजन है। और ये पांच मेन रीजन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई किए हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कहने जाएं तो मैं स्टार्टिंग से हूँ, 2011 एंड या 2012 स्टार्टिंग, तो आज 2018 चल रहा है, तो 5 साल है, 5 साल से मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ। तो काफ़ी कुछ देखा है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, काफ़ी कुछ जाना है, सीखा है, जो पिछले 1 साल से आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो आज 5 रीज़न ऐसे शेयर करूँगा जिसकी वजह से ई कॉमर्स के बिजनेस लोग नहीं कर पाते हैं या फिर बीच में ही दम तोड़ देते हैं। सबसे पहला रीज़न है आप खुद। जब मैं कहता हूँ आप खुद, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात आती है आपकी विल एंड आपकी स्किल। जहाँ पे आपका विल है वहाँ पे आपका स्किल नहीं है, जहाँ पे आपका स्किल है वहाँ पे आपका विल नहीं है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक से आपने बैलेंस करके नहीं रखा तो ई कॉमर्स तो क्या, कोई भी बिजनेस आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विल बहुत ज़रूरी है। विल आपको बहुत लंबे समय तक ले जाएगा। विल इन द सेंस, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका बिजनेस 1 महीने नहीं चल रहा है, 2 महीने नहीं चल रहा है, आप अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग है, अंदर से कॉन्फिडेंट है, अंदर से बिलीव करते हैं कि आपने जो डिसाइड किया है वो सही है, आप जो पाथ में जा रहे हैं वो सही है, लेकिन रास्ता जो पास जो है उसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, तो आप आगे निकल सकते हैं, दैट इज योर विल। लेकिन अगर आप वो रास्ते में जा रहे हैं और वहां पे काफी सारे बम्प्स आ रहे हैं या खड्डे आ रहे हैं और लेकिन आपको नहीं पता कि वो खड्डे को कैसे लेवल किया जाए या फिर वो बम्प्स जो आ रहे हैं उसको कैसे तोड़ा जाए, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो वहां पे इश्यू आ सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक जगह पे अगर आप अटके तो आपका काम वहीं पे रुक जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है जहां काम नहीं चलता है या बिजनेस नहीं चलता है, टेक्निक्स को बदलना पड़ता है। अगर टेक्निक आपने सही तरह से बदली, आपने सही स्किल लगाई, सही तरह से आप विलिंगनेस से काम कर रहे हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू मैं रखना चाहूँगा, और एक रीज़न जिसकी वजह से ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस फेल हो जाता है, वो है आलसीपन। जहाँ पे आप दूसरों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे को नहीं करना है लेकिन किसी और से करवा लेता हूँ काम, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और वो बंदा काम करके दे देगा, बढ़िया हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, दूसरा बंदा सीख लेता है बड़े अच्छे से, आप आराम में ही रह जाते हो और फिर आपका काम पता नहीं कहाँ जा रहा होता है, दूसरा बंदा सीख के अपना काम शुरू कर लेता है। इस चीज़ को अवॉइड करिए, जितना हो सके आप खुद करिए, किसी को कहने से पहले खुद आप देखिए कि आपने खुद किया है वो काम या नहीं किया है, पहले आप खुद करें उसके बाद दूसरों से करवाएं। दूसरा रीजन आता है लैक ऑफ फंड्स। सबसे बड़ा रीजन यही है, जब आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं और कई दूसरी इंडस्ट्रीज में भी, बिजनेस इंडस्ट्री में आते हैं, वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फंड्स, पैसा। अगर वो आपके पास बीच में रुक जाता है या फ्लो ऑफ मनी रुक जाता है तो आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है। ठप कहने का मतलब कि रोटेशन ऑफ मनी नहीं होता, उसकी वजह से आप परचेज नहीं कर पाते, परचेजिंग कैपेसिटी आपकी रुक जाती है, सेल्स हालांकि होता रहता है लेकिन परचेजिंग कैपेसिटी रुक जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब 1 लाख रुपए में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे हर महीने 50,000 रुपए कमाने हैं या फिर 30,000 रुपए कमाने हैं, तो 1 लाख रुपए में आप 30,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं? अगर उसी में उसी पैसे को आप 2 या 3 बार रोटेट कर पाए तो आप कमा सकते हैं। अगर वही पैसा 1 लाख रुपए पूरे महीने तक चलता है तो बड़ी मुश्किल से 10,000-20,000 रुपए आप अर्न कर सकते हैं। तो फंड्स की वजह से काफी सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तीसरा रीजन है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब अगर आपके पास पैसा भी है, बहुत पैसा है, लेकिन आपने गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया ऑनलाइन सेलिंग के लिए या फिर ऑफलाइन सेलिंग के लिए, तो भी आपका रोटेशन ऑफ मनी रुक जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, डेड स्टॉक हो जाएगा, एट द एंड हम भी डेड हो जाएंगे। तो
इसमें भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जंगल स्काउट है, एएमजी ब्लास्ट है, ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन सेलर्स के लिए, जहाँ पे वो प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। एएमजी स्काउट भी है, एएमजी फाइंडर है, ऐसे बहुत सारे आ गए हैं जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं उन टूल्स को, ताकि आप प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट एनालिसिस कर सके और अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो पैसा है अगर आपके पास, लेकिन वो 2000 या 3000 रुपए बचाने के लिए अगर आप जंगल स्काउट फॉर एग्जांपल नहीं लेते हैं और 2-3 लाख रुपए आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा आपको। एग्जांपल आपको एक देता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर SIP में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बिना देखे इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई एनालिसिस किए इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर किसी एजेंट को मिले बिना, जो आपको इतनी अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करे, उनको मिले बिना ही आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं या सोच समझ के करते हैं। आई एम श्योर जब आप 5000 रुपए का म्यूचुअल फंड्स भी करते होंगे तो बहुत सोच समझ के करते होंगे। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं 50,000-1,00,000 फॉर योर बिजनेस, वहाँ पे अगर आप कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना बेवकूफ़ी वाला काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं भी करता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता था, क्योंकि उस समय टूल्स नहीं थे अवेलेबल, आज टूल्स ये अवेलेबल है, इसीलिए आज इतनी मदद मिल रही है मुझे कि मैं अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर पाता हूँ, एनालिसिस कर पाता हूँ और उस प्रोडक्ट को मैं इम्पोर्ट करता हूँ और सप्लाई करता हूँ। इसलिए डिमांड और सप्लाई कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है और फ्लो ऑफ मनी भी इजीली कंटिन्यू रहता है। चौथा रीजन है लैक ऑफ फोकस ड्यू टू मल्टीपल बिजनेस और जॉब एंड बिजनेस एक साथ। अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, प्लस अगर आप बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक आपका जो बिजनेस है, इधर बिजनेस और जॉब, वो रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि आपका फोकस 100% दोनों तरफ नहीं रहेगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने भी ये किया है उनको पता होगा, क्योंकि आप दोनों तरफ इक्वली अपने स्किल्स को नहीं डेवलप कर सकते। या तो आपको अपने बिजनेस में फोकस करना पड़ेगा या फिर आपको अपने जॉब पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से किसी एक जगह पे भी फोकस कम करेंगे तो वहाँ पे खतरा आ जाएगा और उस खतरे की वजह से आपका बिजनेस या जॉब दोनों में से कुछ एक जाने की पूरी संभावना है। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है टीम वर्क। टीम वर्क, आप सिंगल टीम भी हो सकते हैं, सिंगल वन मैन आर्मी भी हो सकते हैं, या फिर आपके नीचे बहुत सारे काम करने वाले भी हो सकते हैं। टीम वर्क ना होने का क्या एडवांटेज है? अगर मैं अकेला हूँ, मेरा टारगेट है 2,00,000 रुपए का बिजनेस हर महीने, मुझे टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको हर महीने 20-25 लाख या 30 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का बिजनेस करना है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक टीम की जरूरत है, ठीक है। वो टीम आपकी जो एडमिन वर्क है, जो ऐसे काम है जहां पे आपके दिमाग की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है और वो काम अपने आप चलेगा, तो वो काम आप दूसरों से करवाइए। पहले आप खुद करिए, फिर दूसरों से करवाइए। जहां पे दिमाग लड़ाना है वो काम आपको करना है, क्योंकि दिमाग लड़ा के ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। एडमिन वर्क करके, प्रिंट करके, इनवॉइसेस प्रिंट करके या फिर लेबर चिपका के, वो करने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं भी करता हूँ ये सारे काम, ठीक है, कभी कभी एम्प्लॉयज नहीं होते तो मैं करता हूँ, मजबूरी में करता हूँ। तो आप मजबूरी में सोचिएगा, जब बिजनेस बड़ा होता है तो मजबूरी में आपको ये सब ना करना पड़े ज़्यादा, ठीक है, वरना थोड़े टाइम के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे कि चलो 2 एम्प्लॉयज़ के पैसे बचा के मैं खुद ही काम करता हूँ और मैं खुद ही 10 लाख का टर्नओवर करूँगा, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा बिल्कुल नहीं देगा। उसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा या फिर वो नीचे गिरने लगेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप ये 5 पॉइंट्स के थोड़े ध्यान रख रहे हैं तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक आपका बिजनेस ग्रो होगा। 5 पॉइंट सिंपल पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, थोड़ा वर्क करिएगा। और एक चीज़ है जो मैं आपको 5 पॉइंट में तो इंक्लूडिंग नहीं है लेकिन एडवाइस है, कोई भी आप प्लान करें, कोई भी एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं प्लान का, तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान आपके पास होना चाहिए, या फिर एक मान के चलिए कि प्रायोरिटी लिस्ट, बहुत लोग टू डू लिस्ट भी बोलते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट भी बोलते हैं, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए कि प्रायोरिटी में आपको कौन सा काम करना है जिससे आपको मॉनेटरी लॉस ना हो, मतलब फाइनेंशियल लॉस ना हो।
प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा वैसी चीज टॉप पे होनी चाहिए जहां पे आपको डर रहता है कि या पैसा चला जाएगा या कस्टमर चला जाएगा या हेल्थ का इश्यू है। ठीक है, ये तीन चीज आप प्रायोरिटी में रखिए, कस्टमर इम्पैक्ट, मॉनिटरी इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट। ये हेल्थ मतलब पर्सनल में आता है आपकी खुद की हेल्थ, मॉनिटरी इम्पैक्ट आपके बिजनेस में आती है और कस्टमर इम्पैक्ट वो भी आपके बिजनेस में आता है। उसके बाहर जितना भी आपका टू डू लिस्ट है उसको आप प्रायोरिटी में अरेंज करिए, हाई लेवल, मीडियम, लो, वैसे कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी अवेलेबल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं कैसे ऑर्गेनाइज रहना है उसके बारे में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।